बजट की कमी से जूझ रही सरकार फिलहाल छतरपुर में निर्मित होने वाले यूनिवर्सिटी के भवन को टालना चाह रही है। विगत रोज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के जिला प्रवास के दौरान उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि यूनिवर्सिटी की कक्षाएं महाराजा कॉलेज में ही शुरू कराकर महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में तब्दील करेंगे। मंत्री के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के माध्यम से मिले प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि लगभग 8 साल पहले जिला मुख्यालय पर यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। 2017 में यूनिवर्सिटी भवन निर्माण के लिए बगौता मौजा में तकरीबन 400 एकड़ जमीन चिन्हित की गई, जिस पर भवन बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए का मांग पत्र भेजा गया था। तत्कालीन शिवराज सरकार तब पैसा नहीं दे सकी। इसके बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने भी इस बजट को पास नहीं किया और अब एक बार फिर सरकार यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण को टालकर महाराजा कॉलेज कैंपस को ही यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 10 दिन पहले जिला मुख्यालय पर स्थित महाराजा कॉलेज में ही 4 कक्षाओं का शुभारंभ करते हुए इन्हें यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया था। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक स्नातकोत्तर की 4 कक्षाएं, जिनमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी और संस्कृत की शैक्षणिक गतिविधियां यहीं प्रारंभ की जा रही हैं। आने वाले दिनों में अन्य कक्षाओं के लिए भी महाराजा कॉलेज कैंपस को ही चुने जाने की आशा नजर आ रही है। महाराज छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलसचिव डॉक्टर पी के पटेरिया का कहना है कि फिलहाल 4 UGT कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है महाराजा कॉलेज कैंपस को ही यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में तब्दील करने की तैयारी है। अभी जो है विश्वविद्यालय ने UGT की 4 कक्षाएं प्रारंभ की हैं, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और संस्कृत। तो इनमें अभी महाराजा कॉलेज के 4 लोगों का डिप्लॉयमेंट 2-2 महीने के लिए किया है और बाकी जो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम महाराजा कॉलेज को विश्वविद्यालय में समाहित करके और विश्वविद्यालय का ही कैंपस बनाएंगे, तो इसकी अभी प्रक्रिया प्रारंभ होना है। क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, अब शासन उसमें कैबिनेट में रख के क्या डिसीजन करता है तो ये अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही कोई डिसीजन होगा तो वो सबको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कक्षाएं जो विश्वविद्यालय की हैं वो विश्वविद्यालय में ही अभी 4 विषय की संचालित की जा रही है।